तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभिषेक भाई, तुम कपड़े नहीं पहन रहे गए इतनी सुबह सुबह। तो भाई अभी टाइम हो रहा है अपना 6 बज रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, बाकी फिर आगे जा रहे हैं अटल टनल, क्योंकि जल्दी जाना पड़ेगा, थोड़ा जाम वगैरह है अभी से, लगने स्टार्ट हो चुका है ट्रैफिक को, बहुत तगड़ा मामला और कोई समस्या ना हो जी, बढ़िया एकदम। इसलिए मैं नहाया हूँ और आशीष भाई नहा रहे हैं अपने, बाकी सब मैंने किया आगे नहीं है शिशु में ना, बाकी मैंने बोला मैं शिशु में नहाएंगे, बाकी सब यहाँ से अपना चल रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं फटाफट। शेर चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो लीली हुडी, ब्लैक पैंट और अपने एयर जॉर्डन, और ये देखो ये जारा का पाल लोअर, अपने चप्पल। नहीं भाई तुम कच्चे में रहो, कच्चे में रहो भाई, तुम कच्चे में रहो। चलो जल्दी चल मोहित भाई, सामान पैक करो फटाफट। चलो चलो आशीष भाई निकलो जल्दी, चलो ए हगड़ खड़ा हो जा। तो भाई अपना चेकआउट कर रहे हैं, लेके तो भाई गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी देर ना, आरपीएम देखना कितना ऊपर रहता है। याद आ जाओ उधर उल शंकर भगवान की जय। पहले दोन दोन डैट के लगा दे। ओह ये देखो 100 ऊपर, देखो जाम शुरू होगा जैसे कि मैंने कहा था ना, सुबह 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 ट्रैफिक शुरू होगा। 6 बजे अभी, अभी 6 बजे 6 बज गए अब देख। अभी हम चाय नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे और यहाँ पे भाई अपना सामने सोलांग वैली आ जाएगा अब 2-1 किलोमीटर बाद। तो अभी जा रहे हैं भाई अपना अटल टनल कोकसर होते हुए, अगर बर्फ मिलेगी तो ठीक ठीक है, वरना फिर भाई देखते हैं एक दिन और रुकते हैं, परमिट लेते हैं जुगाड़बाजी से। बाकी देखो परमिट वगैरह शायद 500-600 रुपये का मिलेगा पर हेड, तो 5-6 जने हैं तो 2500-3000 रुपये सिर्फ परमिट के, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा, स्नो एक्टिविटी वगैरह हो रही है। तो भाई ठंड महसूस हो रही है पूरी भाई, पूरी। आशीष भाई बोल क्यों नहीं रहे तुम? आशीष भाई ठंड ज़्यादा लगी भाई ने, ठंड लग रही है। हाँ भाई। और जय अभिषेक भाई, जय तबर फ्रॉम असोला फत्ते भाई। बस एक चीज़ चाहिए, कुछ मिला नहीं, बस एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम कह नहीं सकते ना भाई। तो भाई अभी पुलिस वाले ने रोक लिए पीछे की तरफ ना, और सामने देख लो भाई अटल अटल टनल, विधायक का स्टिकर लगा रखा था वो हटा दिया। आगे तो रहन देना, छुट रो मजाक ले रहा खोम खोम की। इसके बाद आएगी जन्नत एकदम अटल टनल के पार ना। ये देखो व्यू, सर्दी में भाई यहाँ बर्फ रहती है सामने वाले पहाड़ पर, बिल्कुल अब नहीं है, बाकी अपने जो बर्फीले पहाड़ आ चुके हैं और बर्फीले भालू आ चुके हैं बर्फीले पहाड़ों में, है ना। तो भाई अल्टीमेट एकदम तकड़ा व्यू, कभी देखते हैं भाई, शायद पास वगैरह का सीन है ना, देखते हैं दरिया वगैरह बह रही है। शिशु चल रहे हैं फिर यहाँ सीधा ना। तो भाई अभी अपना रुके हैं, पास बनवा लेते हैं, शिशु की तरफ जा रहे हैं और सामने यहाँ पे बर्फ वगैरह तो है नहीं भाई, पीछे अपना जो रोहतांग पास साइड है वहाँ 12 किलोमीटर तक जाने दे रहे हैं सिर्फ कोकसर तक। और ये सर इनसे पूछ लेते हैं एक बार, कौन है सर, स्नो मिलेगी क्या आगे की तरफ? कहाँ से शुरू होगा? तो वो कितनी दूर है यहाँ से? शिंकुला टॉप से आगे बाकी बर्फ ही नहीं, आजकल लोगों का सीजन शुरू हो रहा है ना, अब पिघलना शुरू हो जाता है बर्फ। व्यू दिखाओ तुम्हें व्यू, ये जन्नत जन्नत है जन्नत। अरे बाबे ऐसे तो पहाड़ा ही चागे सी। ओके बहुत तगड़ी भाई, देखो शब्द नहीं है भाई इस व्यू के लिए ना, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो भाई अभी हम है शिशु, अब टांडी जा रहे हैं और टांडी से भाई देखो आगे जिसपा जिसपा तक होके आते हैं, मतलब जहाँ तक जाने देंगे ना पुलिस वाले वहां तक जाएंगे, क्योंकि लेह में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रूट बंद है अभी ना 2-4 दिन के लिए,
बाकी जहां तक जाने देंगे वहां तक जाएंगे, फुल एंजॉय। चिपराना भाई को बर्फ हाथ में लेनी है ना, बर्फ देखनी है, बर्फ देख लो भाई। अरे ऐसे ना हाथ में लेनी है, लौटना है भाई इसको बर्फ में। भाई जैसे ही आप लद्दाख की तरफ जाने लगोगे तो माउंटेन्स अपनी वेजिटेशन लूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब वेजिटेशन वगैरह कि आपको पेड़ वगैरह कम दिखते हैं, रॉक माउंटेन आपको ज्यादा दिखते हैं। ये देखो भैया रेस पे पाम धरने की जरूरत ही ना पड़ रही है, चपराना ही चला रहे हैं गाड़ी। बाकी देखो थोड़ी थोड़ी जो ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं ना, तो उन चीजों का भाई ध्यान रखना, अगर ऊपर से गिर रहे हैं तो गाड़ी रोक लेना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई अपनी जान है, उसके बाद घूमना फिरना बाद की चीज है। बाकी ये देखो व्यू, व्यू एंजॉय भाई। कौन कौन अब लद्दाख आ चुका है या फिर आना चाहता है नीचे कमेंट करके बताओ फटाफट। बाकी भाई घर ना जाऊंगा, क्या कह रहे भाई? भाई, 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 भाई भाई ये भाई वहीं रहते हैं लद्दाख के, भाई ने प्लॉट ले लिया ना अभी, प्लॉट ले लिया, छोड़ते जा रहे हैं भाई। मैं युगांडा से हूं, युगांडियन है ये उस वाला पत्ते, देखो दरिया बह रही नीचे, बहुत ही अल्टीमेट व्यू। एक भाई अपने आगे जा रहे हैं, एक भाई अपनी जो स्कॉर्पियो अपने भाई मिल चुके हैं ग्रेटर नोएडा से, यूपी 16 नंबर गाड़ी है। अगर भाई ये व्लॉग देख रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम भाई हो अपने अभी मिलेंगे भाई आगे की तरफ ना। तेल गिरवा लेते हैं गाड़ी में ना, वैसे तो आधी टंकी से ऊपर है लेकिन भाई देखो अभी जा रहे हैं तो क्या पता ना मिले, टांडी जिस पर मिलता है शायद। यहाँ रेट दिखाऊं तो वही रहने वाला 97 ना, अब डलवाते हैं इसमें। चपराना खोल दी, नीचे से खुलेगी। आशीष भाई चश्मे और आशीष भाई, भाई देखो गाड़ी हला, तेल भरवाओ ऊपर तक होगा भाई, नोजल तक पूरा। मतलब की लद्दाख से उल्टे आ जाएंगे एक बार। ये कह रहे हैं भाई कि आपको 100 किलोमीटर आगे 12 लाचा पास के पास मिलेगी स्नो, मेनली तो भाई स्नो ही देखनी है। ठीक है, ओ दिख रहा पहाड़ सामने, ओ भाई वो दिख रहा ऊपर की तरफ बर्फ वाला पूरा, वो अपना ही पहाड़ है। चलो स्टार्ट करो गाड़ी निकालो। तो भाई ब्रेज ऐसा करने वाले हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, ये देखो घुसा दो क्या भाई इस बीच में? ना 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 भाई, तो भाई स्नो ऑलवेज काफी चल रही है, एक्टिविटी कितना होगा भाई? यहाँ ध्यान रख के भाई फिसलने का बहुत ज्यादा, बिल्कुल नन्हे नन्हे है, बिल्कुल नन्हे नन्हे पैर रखे, टिपी टो स्टेप, शेर शेर हेर 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 गीला हो जाएगा, यू गंदी है बराबर गीला हो जाएगा, यू गाड़ी में बैठानो। मोहित है ठंडी नहीं लगती, मोहित ये देखो हमारे साथ आया है बर्फीला भालू, इसको ठंड नहीं लगती है, ये है असली बर्फीला भालू का भालू जी। और देखो पानी देखो चोदी कर रहे हैं फालतू, पूछा इतना तो लगा। बाकी देखो भाई अभी इनसे सब इंस्पेक्टर से जो अपना बात करने गए तो हैं, क्या सीन वगैरह बनता है अभी आपको बताते हैं। एक भाई हो रहा है अपने साथ, अब मिल गए अपने गाजियाबाद के। देखो भाई एक तो लास्ट पेट्रोल पंप पर तेल फुल करा लिया, अभी रेंज वगैरह दिखाऊं तो ये दिखा रही है भाई 464 और लद्दाख पहुँचते पहुँचते 300 किलोमीटर कुछ जाने दे दिया उन्होंने, लेकिन बोल रहे हैं कि साथ के साथ वापस नहीं आओगे, शायद कल या परसों वापस आओगे तो परमिशन मिली है। बाकी बात है यार कई आदमी कोई दिक्कत हो जाए परेशानी हो जाए फिर कैसे, भाई देखो हिमाचल वाली पुलिस को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी स्नो एक्टिविटी वगैरह ऊपर की तरफ चल रही है और हम भी भाई ये देखो व्यू चेकआउट करो तुम, एकदम अल्टीमेट
बाकी यहाँ चलते हैं भाई, सरचू रुकते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया भाई, डेढ़ बज चुका है। सरचू रुकते हैं और वहीं पे अपना उससे कल निकलेंगे, क्योंकि आज तो ट्रैफिक उधर छोड़ा जा रहा है, कल वहाँ से छोड़ा जाएगा सरचू से पेंगोंग घूम के, और परसों फिर वहाँ से निकल जाएंगे। चलो फिर भाई, वो गाड़ी अपनी रोक ली है, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए रुके हैं। और बाकी भाई एक व्यू दिखाऊं, प्यार हो जाएगा उस व्यू से। ये देखो, ये व्यू, बर्फीले पहाड़ और बर्फीले बालू, बर्फीले पहाड़ों में। ये भाई देखो, कपड़े चेंज कर रहे हैं और थोड़ा सा अपना जो है ना सैंडविच वगैरह खा लेते हैं, सैंडविच वगैरह लाए हैं तो सैंडविच वगैरह खा लेते हैं भाई। ना तो नीचे कुछ है, 100-100 किलोमीटर आगे तक कुछ नहीं है। हाँ जी भाई, कैसा लग रहा है भाई? भाई जो लोग हील्स कॉलिंग लिख के ऋषिकेश चले जाते हैं, भाई तुम्हारी कसम, जो जो मेरा तो ये भाई यहाँ पे ये तो पहुंचे भी ना भाई डेस्टिनेशन पे, ब्लॉग में पड़े रहो, ऐसी ऐसी चीज दिखा। ये देखो फोटो सेशन, आ ये ले भाई, ऐसे लेते रहे फोटो है ना, वैसे ले, वैसे लूंगा भाई। अगला स्टॉप रहेगा लेह लद्दाख। ए भाई सर चुरुक हो गए भाई, चलो भाई जहाँ मन हो वहाँ चल दो भाई, चले चलेंगे जहाँ मन है, एक एक जगह देख लिए भाई। कमेंट करो फटाफट लोकेशन कैसी है भाई, तुम भी आओ भाई व्लॉग पता टाइम से सुनो, ये व्लॉग जब आएंगे जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। एक तो यहाँ सिग्नल की बहुत बड़ी दिक्कत है, घर तो ना अभी ऊपर तो भाई बीच में हालत ख़राब हो चुकी थी तो इसलिए व्लॉग वगैरह बीच में बनाया नहीं, तो भाई अपन टेंट ले लिया है भाई, बहुत बढ़िया। नेटवर्क ना आ रहे बिल्कुल भी, अब फैमिली के फोन भी आएंगे तो पर ही सो रहे भाई, बिल्कुल जीरो नेटवर्क, जीरो नेटवर्क। ये कह रहे हैं कि यहाँ से लद्दाख तक, लेह तक कोई नेटवर्क नहीं, और यहाँ से अभी लेह जो रह चुका हो वो रह चुका भाई 200-250 रहेगा ना, 200-250 के बीच लद्दाख लेह भाई 220-210 ही होगा। हाँ मतलब 200 किलोमीटर भी देखा मैंने पीछे ही दोस्त, मतलब भाई 250 मान लो आप, 250 रह चुका हो और अभी भाई यहाँ लेट रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 5 घंटे 1000 भाई हमारे घर से टोटल लद्दाख जो है वो 1025 किलोमीटर है। हाँ। और अभी जो गाड़ी 800 चली हुई है, 200 किलोमीटर और ऊपर होगा। अभी देखो भाई यहीं रात गुजारते हैं, और भाई अगर इसके प्राइस की बात करूँ ना, ये बताऊँ मैं आपको, तो ये जब हम यहाँ सुबह चेकआउट करेंगे जब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इंक्लूड क्या क्या है भाई, क्या कितने घंटे रुकना है। अब और तो 10,000 रुपये मिल लियो भैया, यू भी मतलब ये बता रहे हैं कि भाई इतने में है ये पर हेड जो है 2,000 रुपये। तो देखो भाई, क्योंकि एक तो भाई इतनी दूर है बहन, इससे आगे कुछ मिलेगा नहीं, दो एक ये एक तो बहुत भाई, जिम भारी होनी चाहिए बस, यू है भाई थोड़ा एल्टीट्यूड भी जो दिक्कत कर रहा है, इसे जल्दी ले लिया नहीं तो लेह गाड़ी लगाई तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी मोहित भाई की थोड़ी दिक्कत हो रही है, मोहित भाई ठीक है? भाई थोड़ा आराम था। चलो भाई अभी इस व्लॉग को चलो आपको शाम को दिखाते हैं कि डिनर वगैरह में क्या देते हैं, वरना भाई हालत नहीं है, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, व्लॉग नहीं बनाने का मन नहीं कर रहा। तो भाई का कैंप क्या नाम भाई? खलम नोरियांग। और भाई कैंप का क्या नाम है? खलम नोरियांग। अच्छा आपका नाम सुशील कुमार है? अच्छा सुशील कुमार है, कैंप का नाम है? कैंप का नाम खलम नोरियांग। ठीक है, कांग्रेचुलेशन फॉर योर स्टार्टिंग ब्रो। तो भाई का आज कैंप का फर्स्ट डे है, तो हमने फर्स्ट विजिट करी है, भाई की तरफ से कॉम्प्लीमेंट है स्प्राइट, तो कांग्रेचुलेशंस ब्रो। भाई जरूर विजिट करना जितने हमारे भाई आ रहे हैं सरचू से पहले 7 किलोमीटर। ओके बाबा। तो भाई अभी अपना कैंप से आए थे भाई इमरजेंसी कॉल करने, क्योंकि फोन में नेटवर्क वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और भाई व्यू देखो, व्यू तो भाई एकदम अल्टीमेट है। अब भाई ये बोल रहे हैं कि 250 किलोमीटर आगे चलोगे, लगभग 5-6 घंटे चलोगे जब आपको नेटवर्क मिलेंगे, कम से कम 10,000 घंटे। हाँ क्योंकि भाई आगे रोड भी देखो, लद्दाख के रोड कम से कम 100 किलोमीटर का पैस तो ऐसा है
इसमें भाई 20 की स्पीड 10 की स्पीड 20 की स्पीड 10 की स्पीड नेटवर्क तो भी ना कुछ और नेटवर्क नहीं प्लस अगर नेटवर्क मिलते बाकी इधर से कल ट्रैफिक छोड़ा जाएगा भाई एक दिन यहाँ एक दिन उधर से छोड़ते हैं लद्दाख की तरफ से ट्रैफिक और एक दिन इधर से तो भाई देखते हैं कल का सीन क्या बनता है बाकी अभी टेम्परेचर हो रहा है 2 डिग्री और रात को हो जाएगा -8 डिग्री तो बहुत ही मज़ा आने वाला है बाकी एक बार वो बोल रहे हैं कि 20 मिनट बाद आना तो भाई 20 मिनट जाके इमरजेंसी कॉल करते हैं घर वालों के पास बता देते हैं कि नेटवर्क नहीं है क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई और चपराना जी तो वैसी भाई बहुत ठंड लग रही है बहुत जैसे कहना बहुत ठंड और भाई जितने मेरे भाई अब तक सरचू वगैरह आए हैं इस वाले मौसम में उनको ये वाली चीज़ें वगैरह मिली हैं नहीं मिली ये वाले पहाड़ वगैरह भाई रात को मौसम ख़राब बताया बारिश हो सकती है बारिश हो सकती है और भाई -8-9 डिग्री ऐसे ही चला जाएगा रात को टेम्परेचर ना तो बहुत अल्टीमेट।